दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारे भारत में किसान विरोधी कानूनों का बहुत वड्डे पद्धर से विरोध हो रहा और हर वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं और सारिया पोलीटल पार्टियां विरोध कर रही ने। और खास तौर पर मैं जो जिक्र करा किसानों ने तो विरोध करना सवन आर्टिस्ट लोग सिंगर लोग जोड़े मजदूर गरीब लोग ने आड़तीए ने वह सारे इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए ने विरोध कर रहे हैं। दुखदाई गल है कि एक आदमी जिसनों पंजाबियों ने बहुत माण दिता और उसमें बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते 2014 चार लोग सभा की सीटा जताइया अरविंद केजरीवाल वो मोदी साहब वालों काले कानून जोड़े बनाए गए किसान विरोधी उन्होंने मूक दर्शक बन के बैठे चुपधारी बैठे माड़ा मोटा कोई ट्वीट कर देना बयान देना वो काफ़ी विरोध नहीं होंगे। वो दिल्ली बैठे ने फर्ज करो जिदा किसान बैठे ने पटड़िया सड़कों पर अगर अरविंद केजरीवाल एक दिन जंतर मंत्र के उत्थे जाके या दो चार दिन का उत्थे एक धरना दें सारा नैशनल मीडिया उत्थे जाना सी बीजेपी के उत्ते लाजमी बहुत प्रेशर पैना सी लेकिन उन्होंने इस राह नूं चुनिया नहीं गा। उन क्यों नहीं चुनिया वो मैं समझता कि उन्होंने आप इस दसना चाहिए कि उन्होंने क्यों पंजाब के लोगों को और खास तौर पर सिखां नूं क्योंकि जिहड़ियां घट गिणतियां ने ना इस देश दे विच उन्हां नूं चंगे आगुआं तों उम्मीद हुंदी आ कि ये जिहड़े आगू ने यह साडी हिफाजत करनगे लेकिन उन्होंने इस सारे काले कानूनों नूं लैके किसी तरह का जमीन पद्धर के उत्ते कोई डटमा विरोध नहीं किया। और मैं जो थोड़ा जिहा ध्यान नाल पिछे झात मारदा पिछले कुछ समय तो उन्होंने जिहड़े टेवर ने वह बदले हुए हैं ऐ लगता जिदा वो मोदी दे नाल या तो अंदरों सुलाहकुन ने या उन्होंने तो डरते हैं। पिछे तुसीं देखिया कि शहीन बाग का मोर्चा लग्या दिल्ली दे विच सारे वर्गों के लोगों ने उत्थे शमूलियत की हर किस्म के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने और जिहड़े इंसाफ पसंद लोग सीगे उत्थे सारे पहुँचे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उत्थे भी जाके उन्हां दी सपोर्ट नहीं की। और शहीन बाग के मोर्चे तो बाद चोणां दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते दिल्ली च दंगे किए गए बीजेपी के वर्करां ने RSS के बंदियां ने मिथ के एक फिरके नूं मुसलमान भाईचारे नूं टारगेट करके और उन्हां लोकां नूं मारिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीगे मान लिया कि उन्होंने कोल पुलिस नहीं लेकिन उन्होंने कोल 55-60 MLA सीगे अगर वह बतौर इंसान ही आण के सड़कों पर निकल के तो उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश करते तो मैं फिर कहना चाहता कि वह दंगे नहीं सी होने लेकिन इन्होंने उस दे उत्ते भी बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस तरह ही युवापा का कल काला कानून बनाया गया BJP वालों और युवापा कला पंजाब दुरुपयोग नहीं किया गया सारे देश दे विच BJP ने चुन चुन के जिहड़े उन्होंने सियासी विरोधी सीगे या जिहड़े लोग कोई अच्छा काम करते ह्यूमन राइट्स की मनुखी अधिकारों की लड़ाई लड़ते सीगे उन्होंने उत्ते परचे करके तो युवापा में चक के अंदर दे दिते। उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र आता वा अंबेडकर साहब के पोते का अनिल तिल तुंबड़े का महाराष्ट्र में ट्राइबल एरियाज के दलित काम करते युवापा फड़े गया अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कंडेम नहीं किया। वरवरा राओ आ दिल्ली के सफूरा जरगर जिड़ी कि एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या इदा के जोड़े इंटलैक्चुअल लोग सके जोड़े शाहीन बाग के BJP की CAA जरा एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया जिदे केजरीवाल ने विरोध नहीं किया उसके खिलाफ मोर्चा लग्या सी उन्होंने सारे चक चक के टारगेट करके युवापा में तहत नज़रबंद कर दिता लेकिन अरविंद केजरीवाल होना ने उदा भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। इत बस ने जिहड़ा दिल्ली का घट गिणती वर्ग से चाहे वह मुसलमान से चाहे वह दलित से चाहे वह ईसाई से उन्होंने रिपीटेडली अरविंद केजरीवाल बहुत सपोर्ट की जिदा सिखा ने पंजाब दे विच की सी लेकिन जदों जम्मू कश्मीर के दो टोटे किए गए BJP वालों उदो अरविंद केजरीवाल ने उन्हों की मदद की। आप कहें कि दिल्ली UT नहीं होनी चाहिए एक पूरा इस मुकम्मल सूबे का दर्जा मिलना चाहिए वा तो जदों एक चंगे भले सूबे तोड़ के दो यूनियन टेरेटरीज बना दी गई वो तो कोई शब्द इन्हों के मूँह तो नहीं निकलिया। इस करके मैं सिर्फ इस करके नहीं कि मैं उन्होंने खिलाफ हाँ या कि उन्होंने साढ़े नाल दुर्व्यवहार किया पर मैं सिर्फ आह जिहड़े पिछले कुछ इंसीडेंट्स ने रीसेंट जो उन्हां दा एक किरदार लैके मूहरे आउंदा वा कि जदों भी कितें BJP कोई ज्यादती करदी है इस देश दे लोकां दे नाल ते अरविंद केजरीवाल चुप रहिंदे ने। इस करके इहदा तां हुण क्लैरिफिकेशन ते जवाब उन्हां दा देना बनदा नहीं देना उन्हां दी मर्जी आ पर आफ्टर ऑल जदों तुहाडा जदों तुसीं इंपोर्टेंट इशूज दे उत्ते किसे तरह का कोई डटमा विरोध नहीं करते लोग तो सारी छवि अच्छी तरह नाल देख रहे हैं। इस नाल मैं एक इंपोर्टेंट इशू हरदीप पुरी जिहड़े मिनिस्टर ने BJP के उन्होंने पिछले दो दिन पहला आन के पंजाब च एक गल कही जी कि जिहड़े पंजाब के किसान ने वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं
मैं पुरी साहब नूं कहना चाहुंदा कि जिन्ना शांतमई प्रोटेस्ट पिछले एक महीने तो किसानां ने किया वा, आप भावें भुखे होणगे मजदूरां ने किया वा, उहदे नाल दा शांतमई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। फुल्लड़बाजी किस नूं कहिंदे ने, उह बीजेपी करती है। गुजरात विच 2002 तो बाद किन्ने वार दंगे होए, बेस्ट बेकरी कांड, गोदरा कांड, सैकड़े हज़ारा बेगुनाह लोगों को मार दिता गया, वो हुल्लड़बाजी पुरी साहब नूं नहीं लगती। बाबरी मस्जिद 1992 फुल पब्लिक व्यू विच मीडिया की हाजिरी दे विच बीजेपी के वड्डे वड्डे आगुआं ने उत्थे उत्ते चढ़ के भनतोड़ की, वो इन्हां नूं हुल्लड़बाजी कोई नहीं लगी। जिहड़ियां हिंसक कार्रवाइयां करती बीजेपी, वो इन्हां नूं हुल्लड़बाजी नहीं लगती। इसलिए मैं समझदा कि हरदीप पुरी के बयान ने पंजाबियों का सिखां का जिहड़ा सिर है वह शर्म नाल नीवा किया वा, कि सिर्फ एक वजारत रखने वास्ते तुसीं अपने ही सूबे के लोगों नूं अपने ही लोगों नूं तुसीं भंडदे हो। इसलिए मेरे वीरो, जो कुछ पिछले दिनों च हो रहा ना, ठीक है जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां अपने झंडे ला के किसानां दे उत्ते कर रहियां ने रोस मुजाहरे, मैं समझदा वह उसनूं सियासी गतिविधि कहा जा सकता। जिदा सुखबीर बादल ने जुलूस कढ़िया, पहली गल तो वह जुलूस दिल्ली तक जाना चाहिए सी, मोदी साहब के नूं घेरा पाउणा चाहिए सी। गवर्नर के पल्ले की है पंजाब दे, वो तो उन्होंने एक बनाया हुआ एजेंट है। दूजा उन्होंने काले झंडे रखने चाहिए सी। राहुल गांधी पंजाब दे विच आए ने, उन्होंने भी फिर उही गलती की, कांग्रेस के झंडे ला के ट्रैक्टर तुरे फिरते हैं। जे अज किसान 1,00,000 करोड़ का करजई आत्महत्या कर रहा, वो कोई परसों चौथ या 10-20-50 हफ्तों की खेड नहीं गई। पिछले 70-72 साल की जिहड़ी एंटी फार्मर पॉलिसीज दिल्लियों बनदियां रहियां उहदे करके है, वह भी झंडे ला के पंजाब दे विच घूमते हैं। और जदों भी कोई पंजाब दे विच आउंदा बाहरला लीडर, भगवंत मान खास तौर पर कहिंदा कि राहुल गांधी नूं दिल्ली जाना चाहिए ट्रैक्टर लेके, जे सुखबीर बादल रोस मार्च करता तो भगवंत मान कहिंदा इहनूं जाके संसद का दिल्ली घराओ करना चाहिए। तो मैं भगवंत मान को पूछना चाहता कि अरविंद केजरीवाल का कोई फर्ज़ नहीं गा सिखां ते पंजाबियां ते घट गिणतियां ते किसानां दे प्रति, कोई फर्ज़ नहीं गा कि उन्हां दा फर्ज़ नहीं सी बनता कि दिल्ली विच बैठ के संसद का घराओ कर दे, मोदी दे घर का घराओ कर दे, चलो होर कुछ नहीं तां जंतर मंतर मोर्चे ते बह जांदे, इह वी नहीं हो कर सके। सो आ अज दी डेट विच किस तरह वख वख आगू अपना वख वख किरदार निभा रहे ने, वह मैं तुहाडे सन्मुख रखना सीगा। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि कुछ लोग अखां बंद करके विदाउट एनी लॉजिक अन्ने होकर एक बंदे की सपोर्ट ते लगे हुए ने, मैनू कोई इतराज़ नहीं, लगे रहो, पर जो असी कहना वा पक्ष जो सच्चाई है उस तो असी साडा जिहड़ा है आवाज़ वो रोकी तो बंद नहीं की जा सकती। जिहड़ा किसानां दे इस सारे संघर्ष विच एक मूक दर्शक ते चुप्पी धारी है केजरीवाल नूं, इहदा जवाब तां किसान ते पंजाबी ते सिख ते घट गिणतियां अवश्य मंगणगियां। धन्नवाद। सुखपाल सिंह खेरा।